Hi everyone, welcome back to my channel Manu's Glam by Manu Tripathi. Hope you are doing well and safe at home. So अभी मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ अनदर प्रोडक्ट विच इज़ लिप इंजेक्टिंग अगेन. सो इससे पहले जो मैंने आपको लिप इंजेक्टिंग बताया था, जिसका मैंने आपको पूरा ओवरऑल दिखाया था कि उसका स्टे कितना था, वो कैसा था, कलर कितना ज़्यादा उसका अच्छा था एंड वो कितने टाइम तक स्टे किया, वो था फेस शॉप का लिप इंजेक्टिंग. नाउ आज जो मैं लेके आई हूँ लिप इंजेक्टिंग, वो है आयुर्वेदिक लिप इंजेक्टिंग विच इज़ द ब्रांड जस्ट हब. सो गाइज, इनका भी रिसेंटली एक ऑफर चला है कि 699 रुपीज़ में वो आपको टू ऐसे बॉक्स देते हैं, यानी लिप इंजेक्टेंट प्रोवाइड करते हैं. इसके लिए आपको एक बाय करना पड़ता है और उसके साथ आपको एक फ्री मिलता है. नाउ मैंने ये यूज़ किया और मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो आपके पास लेके आऊँ और मैं आपको बता पाऊँ कि ये लिप इंजेक्टेंट फेस शॉप के कंपेयर में अच्छा है या फिर ये ओके है. सो लेट्स स्टार्टेड विद द वीडियो. लिप इंजेक्टेंट है जस्ट हर्ब्स का, यह है प्योर बीस्पोक आयुर्वेदिक लिप इंजेक्टेंट. नाउ इसके साथ जब मैंने ये ऑर्डर किया तो ये आई गेस कितने रुपीज़ का है कि 695 रुपीज़ का, एंड इसमें ऑफर ऑलरेडी अभी चल रहा है कि 695 में आप एक बाय करेंगे तो आपको इसके साथ एक दूसरा फ्री मिलेगा. सो ये दोनों मैंने लिप इंजेक्टेंट मंगाया है एंड अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही सेम कलर के हैं, बिकॉज आपको वो जो फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं एक बॉक्स और, वो आपको सेम कलर का ही प्रोवाइड कराएंगे. सो वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कि हम कोई अलग शेड जो है उसमें ऑर्डर कर सकते हैं. सो गाइज, ये चिंगटिन जो है वो है जावित्री जोजोबा राइस स्टार्च क्रीमी मैट हर्बल एनरिच. नाउ जो फेस शॉप का था, फेस शॉप का ब्रांड आपको मालूम था और जो उसका टेक्सचर था वो थोड़ी वाटरी और रनिंग फॉर्म में था, बिकॉज वो वाटर लिप टिंट था. बट नाउ दिस वन इज़ द मूस लिप टिंट. सो इसका जो टेक्सचर है वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगी कि इसका टेक्सचर कैसा है एंड ये अप्लाई करके कैसा है. सो गाइज, एक तो ये आयुर्वेदिक लिप इंजेक्टेंट है, बिकॉज अब बहुत सारी आयुर्वेदिक एंड ऑर्गेनिक चीज़ जो है इंडिया में लॉन्च हो रही हैं. सो ये जस्ट हब्स एक आयुर्वेदिक ब्रांड ही है, तो इन्होंने अपना ये लिप इंजेक्टेंट यहाँ पर मार्केट में लाया द लिप इंजेक्टेंट. और इसमें ये जो मेरा शेड है वो है 01 ब्रिक रेड. सो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्स्चर कैसा है. सी गाइज, नाउ द टेक्स्चर ऑफ दिस लिप इंजेक्टेंट इज़ लाइक अ मूस. ये कम्प्लीटली मूस टेक्स्चर है इसका और इसको ये वाटरी फॉर्म में नहीं है. तो बेसिकली मूज वाले क्या होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तक आपके गाल पे स्टे करते हैं. सेकेंडली इसमें इसे अप्लाई करने से पैच नहीं पड़ता कोई भी. सो लेट्स सी ये वाला कैसा है टेक्सचर. नाउ इफ वी टेक अ लिटिल बिट लाइक दिस, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ जैसे आपका लिप ग्लॉस या लिप बाम का शेड है लाइक दिस. सो लेट अप्लाई लिटिल बिट ऑन चीक्स. गाइज, ये है जस्ट हर्ब्स का लिप इंजेक्टेंट और मेरा शेड है ब्रिक रेड. सो इसका अमाउंट इतना ही आता है, क्वांटिटी इसकी इतनी ही होती है एंड दोनों शेड ही सेम कलर के आते हैं. गाइज, ये मूस फॉर्म, सो टेक्सचर इसका मूस फॉर्म में है एंड सो स्प्रेडिंग करने में काफ़ी अच्छा है ये टेक्सचर इसका. बट द थिंग इज़ कि ये काफ़ी टाइम तक स्टे नहीं करता. सो लेट्स ट्राई, मैं इसका डार्कर लिप शेड भी आपको लगा के दिखाती हूँ कि हम इसे डार्क फॉर्म में कैसे लगा सकते हैं. तो टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत क्रीमी फॉर्म में है इसका एंड ये मैंने इसका डार्क फॉर्म अप्लाई किया है. सो गाइस, ये इसका डार्क फॉर्म है जो कि मैंने आपको अप्लाई करके दिखा दिया. अगर आप लिपस्टिक नहीं लगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये एज अ लिपस्टिक ही काम करता है. बट ये लिप ट्रिक्टेड ऐसा है कि आपको इसको जब आप थोड़ा सा ही अप्लाई करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके लिप्स पे लग जाता है. सेकेंडली, इसको आप गाल पे अप्लाई कर रहे हो तो ड्राई पैचेस नहीं पड़ रहे हैं जैसे कि वाटरी टिंट में पड़ते थे, यानी फेस शॉप टिंट में. बट अगेन, अगर मैं इन दोनों ही प्रोडक्ट को कंपेयर करूँगी तो इस प्रोडक्ट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये बाम फॉर्म में है, तो ये आपके लिप्स पे आराम से अप्लाई होगा, ड्राई पैचेस नहीं पड़ेंगे. और वाटर टिंट में ड्राई पैचेस जल्दी पड़ जाते हैं, वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है स्किन पे अप्लाई करते ही. एंड एक और चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो ये कि ये मूस फॉर्म में है, सो हम इसको जब अप्लाई करते हैं स्किन पे तो ये आराम से हम इसको अपने एरिया के हिसाब से आराम से गाल पर फैला के लगा सकते हैं. नाउ इन कंपेयर करूँ मैं इन बोथ प्रोडक्ट्स में तो मुझको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिकॉज ये ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है. बट एक चीज़ जो मुझे इस प्रोडक्ट की बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये है
कि ये लिप एंड चिटिन बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं करता। अभी तो मैंने आपको टेक्सचर दिखाया है, इसलिए मैंने आपको ये अप्लाई करके दिखाया, बट इससे पहले जो मैंने यूज़ किया इसको दो बार तक, तो मैंने ये नोटिस किया है कि ये बहुत जल्दी ही हट जाता है हमारी स्किन से। मैंने जब इसको चिक पे और लिप्स पे लगाया था तो चिक्स पे तो थोड़ा सा टाइम के लिए स्टे मतलब हुआ था, बट लिप पे ये बहुत जल्दी ही मिट जाता है। तो इसका जो सेफ फॉर्मेट है वो बहुत बेकार है अकॉर्डिंग टू द फेस शॉप। फेस शॉप का लिप एंड चिटिन काफ़ी टाइम तक स्टे करा था मेरे लिप्स पे, जिसका मैंने आपको पूरा दिखाया भी था वीडियो में। नाउ इसका मैंने अभी निकाल लगा लिया है और मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं कुछ खाऊंगी या मैं बाहर जाऊंगी तो ऑलमोस्ट आई गेस कि ये एक घंटे से ज़्यादा भी मेरे स्किन पे मेरे लिप्स पर स्टे नहीं करता। सो दैट इज़ वेरी बैड अबाउट दिस ब्रांड। नाउ इस ब्रांड का जो प्राइस रेंज है वो है 695। नाउ 695 इज़ अगेन इज़ नॉट अ मिनिमल अमाउंट जो कि हम लिप एंड चिटिन पे स्पेंड करते हैं, बट इसमें एक चीज़ जो है सबसे गंदी वो ये है कि बहुत टाइम तक स्टे नहीं करता। तो अगर हम इस पर मनी स्पेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को लिप एंड चिटिन ऐसा चाहिए होगा जो काफ़ी टाइम तक स्टे करे। सो दैट इज़ समथिंग वेरी बैड अबाउट दिस ब्रांड। सो गाइज, ये मेरी वीडियो थी लिप एंड चिटिन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं इस टाइप की और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।